नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम बिना पराठे के पूरा ही नहीं हो सकता। गर्मा गर्म पराठों के साथ अगर ठंडी सी दही मिल जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है। हालांकि हर व्यक्ति सर्दी के मौसम में दही का सेवन करने से बचता है। कई लोगों को लगता है कि दही का सेवन करने से सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर जिन लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार जैसी मौसमी बीमारी होती है, उन्हें दही से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या खांसी जुकाम में दही खा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि खांसी जुकाम में दही खाना सही है। डॉक्टरों के अनुसार सर्दियों के मौसम में दही का सेवन करना बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जिन लोगों को खांसी जुकाम या कोई भी मौसमी बीमारी होती है, उन्हें दही का सेवन करने से बचना चाहिए। दही में हाई प्रोटीन पाया जाता है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन अगर खांसी जुकाम जैसी बीमारी में दही का सेवन किया जाए तो बीमारी बढ़ सकती है। खांसी जुकाम में दही खाने के नुकसान। खांसी जुकाम में दही का सेवन करने से बलगम ज्यादा बनता है। बलगम ज्यादा बनने से पूरे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। दही की तासीर ठंडी होती है और ये कफ ज्यादा पैदा करता है। खांसी जुकाम में कफ ज्यादा बनने से सांस संबंधी इन्फेक्शन जैसे अस्थमा की समस्या बढ़ सकती है। खांसी जुकाम जैसी समस्या में अगर दही का सेवन किया जाए तो ये बुखार का भी कारण बन सकती है। कई बार खांसी जुकाम के कारण होने वाला बुखार 2 सप्ताह तक नहीं उतरता और व्यक्ति को अतिरिक्त तौर पर बीमार कर सकता है। अगर आप सर्दियों में दही खाना पसंद करते हैं तो ये ध्यान रखें कि दही ठंडा ना हो और जहां तक संभव हो सके दोपहर के समय भोजन या सुबह के नाश्ते में ही दही का सेवन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।